हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पॉन इंफोटेक चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 5। यूं कह लीजिए, किसी संख्या को देख कर कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, अथवा वह संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी 4 से विभाज्यता का नियम है, द नंबर हुज लास्ट टू डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 4, देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय 4। यानी कि किसी संख्या का यदि लास्ट दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको कोई संख्या दे दिया गया है 4576, तो लास्ट में दो अंकों को बस देखना है कि क्या वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट दो अंकों से बनी संख्या 76 है, 4 एकम 4 3 और 6 4 9 36, यानी कि 76 4 से विभाजित हो जाएगा 19 बार में, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है 5432, तो यहाँ पे सिर्फ पूरी की पूरी संख्या आपको नहीं देखनी है, मात्र लास्ट दो अंकों की संख्या को आपको देखना है, यानी 32, तो 4 8 32, यानी यह पूरी की पूरी संख्या या 32 8 बार में विभाजित पूरी पूरी बार हो जा रहा है, यानी 5432 भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी संख्या को देखते ही हम बता सकते हैं कि क्या वह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। यहाँ पे हमने लिख लिया 62492। अब देखिए, लास्ट अंकों से दो अंकों से बनी संख्या 92 है, जो कि 4 2 8 और 4 3 12, यानी पूरी पूरी बार विभाजित हो जा रही है, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या ही 4 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको हम करके देखते हैं, 4 एकम 4 2 और 2 22 4 5 20 2 और 4 24 4 6 24, अब 9 तो 4 2 8 1 और 2 12 4 3 12, यानी 15623 बार में 62492 पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से सिर्फ इकाई और दहाई से बनी संख्या को देख करके हम पता कर सकते हैं कि क्या वह 4 से संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 76555। अब लास्ट में देखेंगे 55 है, जो कि 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12 और 3 आपका रिमाइंडर इसी में बच जा रहा है, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या ही 4 से विभाजित नहीं होगी। आपको 10 अंकों की संख्या, 20 अंकों की संख्या, 25 अंकों की संख्या, कितना भी अंकों की संख्या दे दिया जाए, मात्र आपको चेक करना है इकाई और दहाई से बनी संख्या। यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया 10,95,476। अब देखिए, यह 3 3 6 7 अंकों से बनी संख्या है, तो इसको 4 से विभाजित करके पता करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, मात्र इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखेंगे, 4 एकम 4 और 4 9 36, यानी कि यह विभाजित हो जा रहा है, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या ही 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब बात ये आती है कि हमने आपको कहा है कि लास्ट दो अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या पूरी पूरी बार 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ, 25,00, यानी कि 2500। तो यहाँ तो देखेंगे इकाई और दहाई से बनी संख्या 0 और 0, तो क्या करेंगे, तो जिस संख्या में इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 हो, वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको विभाज करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे 2555 है, तो हम विभाज करके चेक कर रहे हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या को कि क्या वह कट जा रही है, लेकिन यदि इकाई और दहाई के स्थान पे 0 है, तो विभाजित भी नहीं करना है, ना ही चेक करना है, हम देखते ही बता सकते हैं कि वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 25,400, तो यह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिख लिया 52,500, तो इकाई और दहाई पे 0 है, यानी कि यह पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। 76,600, यह संख्या भी पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। 10,95,600, यह संख्या भी पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे यदि 0 है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो
तो आप चार से विभाजित होने वाली संख्याओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी इकाई और दहाई से बड़ी संख्या यदि चार से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या ही चार से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और इकाई और दहाई के स्थान पर यदि शून्य है तो भी वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, चार से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं पांच से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो पांच से विभाज्यता का नियम कहता है दी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज जीरो और फाइव विल बी डिवाइडेड बाई फाइव, यानी किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य और पांच हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो वह संख्या पांच से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी, यानी कितना भी बड़ी संख्या दी गई हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10,92,225, अब इसके इकाई के स्थान पे पांच है यानी कि यह संख्या पांच से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा 12,76,775, यानी इकाई के स्थान पे पांच है, यह संख्या पूरी पूरी बार पांच से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा 95,650, इकाई के स्थान पे शून्य है, यह संख्या पूरी पूरी बार पांच से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा 10,95,86,555, यानी इकाई के स्थान पे पांच है, पूरी संख्या को विभाजित करके देखने की जरूरत ही नहीं है, इकाई के स्थान पे पांच है, यह संख्या पूरी पूरी बार पांच से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा 12,76,85,600, यह इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे शून्य है, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या पांच से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या में बस हम इकाई के स्थान को देखेंगे, यदि इकाई के स्थान पे शून्य है तो भी वह संख्या पांच से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी, यदि इकाई के स्थान पे पांच है तो भी वह संख्या पांच से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी संख्या को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वह संख्या चार से विभाजित होगी या नहीं होगी, अथवा किसी भी संख्या को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि पांच से वह संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।